यातायात प्रभारी रणवीर यादव यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए लगातार काम करते रहते हैं और शहर की सड़कों पर अपने स्टाफ के साथ घूमकर यातायात नियमों को तोड़ने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले व नाबालिगों को वाहन न चलाने की सलाह देते नजर आ जाते हैं। ऐसा ही आज हुआ जब 3 नाबालिग अपने माता पिता को बिना बताए स्कूटर लेकर निकल आए और शहर की सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे। स्कूटर चला रहे नाबालिगों को यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने देख लिया और उन्हें रोक लिया। जब यातायात प्रभारी ने उनसे सवाल किए तो बताया कि उसका नाम हितांशु है और वो उसकी उम्र 12 साल है। वह खेड़ापति कॉलोनी में निवास करता है। नाबालिग के साथ उसके 2 दोस्त भी थे और वो भी नाबालिग थे। यातायात प्रभारी ने स्कूटर को अपने स्टाफ के साथी को पकड़ाया और नाबालिगों को अपनी कार में बैठाकर उनके घर ले गए, जहां परिजनों को समझाइश दी कि नाबालिगों को वाहन ना दे, नहीं तो किसी दिन दुर्घटना घटित हो सकती है। मेरे तो प्राण ही निकल रहे, सब कुछ हो रही है। आप बैठे, हम तो बचा के लाए इनको। ये चला रहे थे, ये दोनों बैठे थे और मतलब आप मैं तो अंदर वाले कमरे में समझ रही हूं। अच्छा। मुझे यही पता नहीं है, मैं तो खाना बना रही थी, मुझे दिक्कत निकल गया कमरे में से बाहर। ये घूम रहे हैं शहर में, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। नहीं तो आप तो बंद कर दो उनको पुलिस में, डाल दो उसको थाने में, तीनों को डाल दो। नहीं नहीं, हम डालने नहीं लाए, हम लेके आए गाड़ी से इनको आपको सौंपने के लिए। भाई अपने बच्चों को आप सुरक्षित घर पर रखें। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं मैडम, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों की बहुत डेथ हो रही है। आप गाड़ी मत दीजिए मैडम, मम्मी को बोलो सॉरी। नहीं सर, मुझे पता ही नहीं था।